एवरीवन, तो हम कह रहे थे एंटी रिट्रो वायरल ड्रग्स या फिर सॉरी एंटी एचआईवी ड्रग्स, मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों में। तो एंटी एचआईवी ड्रग्स में मैंने आपको पहला ग्रुप इसका बताया था, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स विद अ डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो अब नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है ना, ये क्या करेंगे इनका और उसका सिर्फ ये डिफरेंस है कि इन मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और ये उसकी एक बाइंडिंग साइट है, तो इस पे सिर्फ एक बाइंडिंग साइट नहीं होती, काफी सारी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स उसकी जिस बाइंडिंग साइट पे जाके बैठ जाते थे एज अ कंपेटिटिव इनहिबिटर, ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स उसकी किसी और बाइंडिंग साइट को जाके इनहिबिट करेंगे। लेकिन कोई भी साइट इनहिबिट होगी तो जाहिर है एक्शन उसका पूरा नहीं हो सकता और डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बन सकता और हमारे पास जो है वो एंड में क्या होगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि वायरस की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। दूसरा डिफरेंस उसमें और इसमें यह है, एक तो ये कि एक्टिव साइट डिफरेंट है, ठीक है, वो किसी और एक्टिव साइट पे जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की और एनएनआरटीएज किसी और एक्टिव साइट उस पे जाएंगे। और दूसरा यह है कि एनएनआरटीआईज को एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। एनआरटीआईज को मैंने आपसे कहा था कि जब ये सेल में एंटर होंगे तो पहले एक्टिवेशन होगी, इनकी एक्टिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्टली जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि ये हमारे पास सिर्फ जाके एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएंगे ताकि कोई और चीज आके बाइंड ना कर सके, ये जाके डायरेक्टली न्यूक्लियोसाइड्स को इनहिबिट नहीं करेंगे कि जुड़ो ना आपस में। वो तो ये करते थे ना जो हमारे एनआरटीआईज थे, वो एक तो जाके इधर आके एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं, दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड होते हैं उन्हें आपस में जुड़ने भी नहीं देते। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट का डिफरेंस होता है, ठीक है, ये बातें हैं पुरानी केमिस्ट्री की, इनको हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास वो क्या करते थे कि वो न्यूक्लियोटाइड्स की आपस में लिंकिंग को भी इनहिबिट करते थे। एनएनआरटीआईज न्यूक्लियोसाइड की आपस में लिंकिंग को कुछ फर्क नहीं डालते, सिर्फ एक्टिव साइट पर बाइंड करते हैं। तो ये तीन डिफरेंसेज हैं इनके उससे कि एक्टिव इनको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, इन्होंने डिफरेंट एक्टिव साइट पर जाके बाइंड करना है और इन्हें न्यूक्लियोसाइड्स को खुद जाके इनहिबिट नहीं करना, तो इसलिए इनको नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कहते हैं। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही आप कहेंगे कि दे आर द इनहिबिटर ऑफ द डीएनए सिंथेसिस ऑफ द वायरस या फिर दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सिंपली, ठीक है। अच्छा, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कभी को पूछता नहीं है, मैंने वैसे आपको बता दिया, बाकी सारा इनका सिमिलर है जैसे एनआरटीएस का होता है। इसमें चार ड्रग्स आती हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है, डिलावरडीन, इफेवरेंस, एट्रिवरिनिन एंड नेविरापीन। इसको जो याद करने के लिए नमोनिक मैंने बनाया था, अजीबो गरीब सा था, बरहर उसका था ऐसा कुछ कि दिलावर फरा इन टावर, ठीक है, इन नॉर्वे। किस तरह से ये डिलावरडीन दिलावर से, मतलब ये बहुत मिलता जुलता हो गया, फरा से इफेवरेंस बहुत मिलता जुलता हो गया, ठीक है, एंड टावर एट रेवरीन, ये पूरा उसके लिए था, एट रेवरीन इन टावर एंड नॉर्वे नेविरापीन। तो ये काफी मिलते जुलते लफ्ज थे तो मुझे इससे याद हो गया था, आप बेशक अपने से कोई और बना लें लेकिन ये बात है। इन ड्रग्स को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पूछता है कभी तो लिस्ट पूछते हैं, कभी जिंदगी में इनमें से कोई एमसीक्यू भी नहीं आता होता डिटेल में, गलती से किसी की किस्मत बहुत खराब है तो कोई एमसीक्यू में पूछ ले, एससीक्यूज में तो कभी भी नहीं पूछते, इवन वाइवा में नहीं पूछी जाती, बिकॉज टीचर्स को भी पता होता है कि ये इतनी सारी एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं कि ये नहीं सारी की सारी स्टूडेंट्स, मतलब आप इन हर ड्रग की अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक और अलग अलग इनका टॉक्सिक इफेक्ट्स याद करें ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि हमेशा अगर आपने कुछ भी याद भी रखना है ना, एक दफ़ा रीड दे लें मिनी कैटजंग से इसको, और अगर याद कुछ रखना है तो टॉक्सिक इफेक्ट एक एक मेजर मेजर रख लें, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। डिलावरडीन जो है ये आपने याद रखना है कि ड्रग इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से अगर कोई चीज़ आएगी तो वो सिर्फ यही चीज़ आएगी, 99% यही चांस है, जाहिर सी बात है कि 1% आपकी किस्मत भी होती है वो जो अल्लाह ना करे खराब हो जाए, लेकिन 99% यही है कि ड्रग यही चीज़ें आती हैं। तो डिलावरडीन को आप याद रखना कि ड्रग इंटरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, मतलब ये कि कुछ ड्रग्स को इनहिबिट करता है, उनके मेटाबॉलिज्म को कुछ को स्टिमुलेट करता है। इफेवरेंस के बारे में याद रखना कि दिस इज एक तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स को इंक्रीज कर देगा बहुत ज़्यादा, CNS पे इफेक्ट करेगा, CNS कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी में अवॉइडेड ड्रग्स होती हैं उनको ज़रा आप याद रख लिया करें, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में अवॉइडेड है। फिर एट्रिवरिनिन है हमारे पास, इसके बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ ये बात रखनी है इसकी टॉक्सिसिटी की कि ये रैशेज, नोजिया, डायरिया कॉज करती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेविरापीन के बारे में ये खास बात है कि ये हमारे पास ना एचआईवी की जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है, वर्टिकल ट्रांसमिशन से मुराद ये है कि मदर जिसको एचआईवी है और उसका अब शी इज़ प्रेग्नेंट और उसका फीटस जाहिर है उसको भी रिस्क है कि वो भी एचआईवी पॉजिटिव ना हो जाए,
तो नेविरापीन जो है ना वो मदर से फीटस में ट्रांसमिशन को रोक देती है। तो इसके बारे में आपने ये बात याद रखनी है, बस इससे ज़्यादा इन ड्रग्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रॉबेबली इनमें से कुछ भी नहीं आता, 99% यही चांस है, ठीक है। तो इसके ड्रग इंटरेक्शन में इसके ये तीन बातें, एड्रेवेरिन में कोई खास बात नहीं, और नेविरापीन वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से फीटस को रोकती है, और ये उसका निमोनिक है। अच्छा, अगले आते हैं हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ये क्या चीज़ें हैं? अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था शुरू में कि वायरस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो वायरस का शुरू में सारे स्टेप्स के बाद जब वो अपनी लेट प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, मैंने आपसे कहा था ये ह्यूमन सेल है और इसमें वायरस अपने सारे स्टेप्स कर रहा होता है, जब वो अपनी लेट प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, उसके बाद वायरस की असेंबली होनी होती है, और असेंबली के बाद उसमें रिलीज होना होता है। ये जो असेंबली का प्रोसेस होता है ना, इसमें वायरस की पैकिंग होती है। जैसे एक बंदा जब अपने घर में सारे काम कर लेता है, तो फिर वो तैयार शहर होता है और वो बाहर चला जाता है, तो अब वो क्या करेगा, असेंबली होनी है। ये असेंबली करता है एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स जिसको हम कहते हैं HIV प्रोटीएज। और ये जो प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स है ना, ये उस HIV प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, तो वायरस की असेंबली नहीं हो पाती, वायरस की पैकिंग ही नहीं हो पाती, और वो जब तक वायरस तैयार शहर नहीं होते तब तक वो बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए वायरस की ग्रोथ वहीं रुक जाती है, उनकी स्प्रेड वहीं रुक जाती है। तो इन प्रोटीएज इनहिबिटर्स में जो ड्रग आ रही है वो सारी इनलिस्टेड हैं, ये तकरीबन 9 ड्रग्स हैं। अच्छा, इनको जो याद रखने के लिए निमोनिक है ना, वो जो मैंने बनाया हुआ था वो यही है। बहुत ये भी मतलब जाहिर है मेरा सेल्फ क्रिएटेड अजीब सा निमोनिक है, लेकिन अगर आपको मुनासिब लगे तो आप इस तरह याद कर लें। ये ड्रग्स इसी तरह से इनलिस्टेड है ना आपकी बुक में भी, एटाजेनावीर, डेरिनावीर, फोसेम्प्रेनावीर, इंडेनावीर, लोपिनावीर, नेल्फिनावीर, रेटोनावीर, सैक्वेनावीर एंड टिप्रेनावीर। अब इसको याद कैसे करना है, इनका ऐसा के लफ्ज़ हो कि जो इनसे मिलता जुलता भी हो। एट डेयर फॉर इंडिया लैला नेल्फी रिटायर्ड स्ट्रेटली, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। किस तरह, एटाजेनावीर डी से, डेरुनावीर डेयर डेरुनावीर, फॉर फोसेम्प्रेनावीर, इंडिया इंडेनावीर, लैला लोपेनावीर, नेल्फी नेल्फेनावीर, रिटायर्ड रेटोनावीर, स्ट्रेटली सैक्वेनावीर, और ये बेचारा एक रह गया था, इसको आप ऐसे ही याद रख लें, टिप्रेनावीर है ये। तो इस ये लफ्ज़ बहुत मिलते जुलते हैं क्योंकि इस निमोनिक के आपके इन पूरे जो नामों से, तो इसलिए आपको काफ़ी हद तक इससे हेल्प मिल जाती है। इसमें से क्या आता है, इसमें से हमेशा वो आपसे मांगते हैं कि इनलिस्ट करें ड्रग्स को, इसलिए आपने निमोनिक से या फिर वैसे जैसे आपको याद रहता है इनकी लिस्ट याद कर लेनी है, रट लेनी है, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है। मुझे तो ये निमोनिक बेहतर लगता था, मैंने इससे याद किया था। इसके बारे में इन ड्रग्स में से कुछ पूछते कभी भी नहीं है, लेकिन फिर से वही बात है कि एक एक इंपॉर्टेंट बात अगर इनमें कोई है तो मैं आपको बता देती हूँ। एटाजेनावीर के बारे में याद रखना, ये QT इंटरवल प्रोलॉन्ग करती है, क्योंकि अगर MCQ में आएगी तो यही बात है, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, इसकी भी ज़रूरत वैसे नहीं है। डेरुनावीर जो है वो सल्फोनामाइड मोइटी है इसमें, मतलब ये सल्फोनामाइड कंटेनिंग है, तो ये सल्फोनामाइड एलर्जी कर देती है, ठीक है, इसके बारे में आपने याद रखना है, सल्फोनामाइड एलर्जी। फोसेम्प्रेनावीर जो है उसके बारे में याद रखना है कि इसको भी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सिर्फ ये बात। इंडेनावीर के बारे में याद रखना है कि ये आपका रीनल डैमेज कर देती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। लोपेनावीर के बारे में जो बात याद रखनी है कि दिस कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। नेल्फेनावीर के बारे में याद रखनी है कि इसका प्रेगनेंसी में ना बहुत सेफ्टी प्रोफाइल है, तो ये प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। रेटोनावीर जो है ना, इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेटोनावीर दूसरी प्रोटीएज इनहिबिटेड ड्रग्स के ना मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करती है, जिससे बाकी ड्रग्स का हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जब हम ड्रग कॉम्बिनेशन देते हैं ना HIV के पेशेंट्स में, तो हम रेटोनावीर को किसी और प्रोटीएज इनहिबिटर के साथ ऐड करते हैं, ताकि ये वाली जो ड्रग हम दे रहे हैं वो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज ना हो जाए और पेशेंट के अंदर वो ज़्यादा देर तक रहे, ताकि उस पर एक्शन हो सके, ठीक है। तो ये रेटोनावीर के बारे में याद रखना है। और सैक्विनावीर और टिप्रेनावीर की फिर कोई खास बात नहीं है, बस इसकी आपने लिस्ट को ना ऐसे बस फिंगर टिप्स पे रट लेना है निमोनिक से, ताकि आपका अच्छा हो जाए। आखिर में सिर्फ 3 ड्रग्स हैं जिनका नाम आपने याद रखना है। ये तो मैंने आपसे कहा था ना कि HIV ड्रग्स है जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस में हमने क्लासिफाई किया हुआ है। एक चौथा ग्रुप भी है NNRTIs और प्रोटीएज इनहिबिटर्स के बाद एक जो चौथा ग्रुप है वो है, क्या वो करती है कि ये अगर मेरे पास ह्यूमन सेल है और दिस इज द HIV वायरस और इसने अब सबसे पहले सेल के अंदर आने, तो ये जो ड्रग ग्रुप है ना ये सेल के अंदर आने को ही इनहिबिट कर देते हैं। सो दिस इज द एंट्री इनहिबिटर ड्रग, जो कि आपकी HIV जो वायरस है उसको सेल के अंदर आने ही नहीं देता। इसमें जो दो ड्रग्स आती हैं आपकी वो मेरेविरोक है एंड एनफ्यूविलटाइड, ठीक है। इनके भी सिर्फ नाम बहुत ज़्यादा हैं, कुछ भी इनके बारे में कभी भी नहीं आता, कभी MCQ में भी इवन नहीं आता एनफ्यूविलटाइड। और अगर एक आध MCQ कभी बदकिस्मती से आ भी जाए, तो आप एक MCQ के लिए अपना इतना सारा टाइम जाया मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए आपको कि आप उसकी सारी फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एवरीथिंग याद करें। बट स्टिल अगर कोई करना चाहता है तो वो ज़रूर करे और एक रीड दे ले, लेकिन मैं जो थोड़ी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें उनको स्किप करके इंपॉर्टेंट वालों पर जाऊँगी। अगर अगला हमारे पास फिर आ जाएगा एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स और एंटी वायरल
जो हेपेटाइटिस वायरस की ड्रग्स होती हैं वो वाली, जिनको अगले पार्ट में हम कर लेते हैं। अभी तक कोई मसला हुआ, यू कैन आस्क मी, थैंक यू।